फयाज साहब कैसे हैं, क्या हाल है? आपकी दुआएं आप कहाँ हैं? बस क्या करें, रमजान आ गया, ईद आ गई, इसलिए इतनी मसरूफियात हो गई। ये रुबीना पता नहीं कहाँ है। मैं वहाँ कैमरा जो है ना उसको सेट करी थी। सबसे पहले तो जी रमजान था और उसकी वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद जो हमारे व्यूअर्स हैं। और आज हमारे साथ मारिया तो बिल्कुल होती हैं। आए क्या आज है? हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं प्रॉपर और फयाज साहब, इनको मैं कहती हूँ फयाज साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। माइक मैंने इसलिए लिया हुआ है कि हम बारी बारी जो है ना वो माइक चेंज करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे। कराची में कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं ईद के पहले ही, यानी रमजान के आखिरी अशरे में, है ना फयाज साहब, है ना मरियम? यस हाँ, आखिरी हफ्ते में ही जो है वो कुछ तब्दीलियां शुरू हो गई थी और उसको हम मॉनिटर कर रहे थे खास तौर पे। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ और नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि मारिया को मौका देते हैं। मारिया और फयाज साहब आप दोनों जो हैं वो गुफ्तगू जरा सी करें, मैं बीच बीच में आ जाया करूंगी क्योंकि मुझे कैमरा भी देखना है। जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? हम जो है ना जरदारी को आज फोकस रखे हुए हैं। जरदारी साहब कराची में आकर उन्होंने एक जोरदार किस्म का जो है वो इजलास किया हुआ है, और जिसमें उन्होंने अपने वजीर अला सिंध मुराद अली शाह को ये डायरेक्शन दी है कि कच्चे के डाकू को, पक्के के नहीं, कच्चे के डाकू हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर कोई पुलिस वाला इसमें मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मुअत्तल करें, और सेफ जो सिटी है उसका प्रोजेक्ट शुरू करें और कराची में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। इस हवाले से हमारे साथ है सीनियर तजियाकार फयाज कुरैशी, जिसकी बड़ी गहरी नजर होती है इन चीजों पर। हम जरा उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रही है और क्या क्या मसाइल हैं। तो फयाज साहब आप बताएं। फयाज साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। देखिए जी, मुझे फयाज कुरैशी कहते हैं और कराची की सहाफत में काफी अरसे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और मुसलसल पार्लिमानी रिपोर्टिंग का सिलसिला है वो मेरा जारी रहता है। और इसके साथ साथ मैंने कोर्ट में, मेरी मारिया कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर उस्ताद रही है, तो इसलिए ये मेरी मास्तरानी भी है, सहाफती मास्तरानी बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है आप भी हैं। आपने जो सवाल उठाया कि सादर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो गुज़िश्ता दिनों कराची आए थे और अमन अमान के हवाले से स्पेसिफिक इजलास किया था, इससे पहले जब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हल्फ बरदारी की तकरीब के बाद जैसे ही वज़ीर हाउस में एंट्री दी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अमन को फोकस किया था। पहला इजलास उन्होंने अमन अमान के हवाले से किया था, उसमें उनका बुनियादी नुक्ता जो मुद्दा था वो ये था कि अमन को उन्होंने पहली तरजीह और पहली फोकियत दी है, और इसी बिना पर सबसे पहले उन्होंने अमन अमान के हवाले से इजलास किया है। उनका तो मौकफ ये था कि जब से उन्होंने इक्तदार छोड़ा तो निगरान हुकूमत का जो क्याम अमल में आया, निगरान हुकूमत के क्याम अमल में आने के बाद क्या हुआ कि एक मामला होता है कि भाई जो गुज़िश्ता इक्तदार में बैठी हुई अशराफिया है, ऑफिशल्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट सूबाई एस्टेब्लिशमेंट इंतजामिया कहें आप जो कहें, तो वो उनको आते ही निगरानों ने रीशफल शुरू कर दी। और उनका ये ओपिनियन है मुराद अली शाह साहब का कि उनके आने के बाद जो रीशफल हुआ वो उसने जो है वो बड़ी तबाही मचाई, उसके बाद जो है वो अमन उसका बड़ा एक बुरा हाल हुआ। वो हमेशा क्लेम भी करते हैं कि जब उन्होंने 2016 में इकतदार संभाला था तो कराची दुनिया के छठे बदतरीन शहरों में शामिल था, और इस वक्त जो है नाइन्थ डिजिट 90s यानी 90 डिजिट्स में, यानी 86 या 79, ये मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, 89 है या 86 है, उनका ये कहना है कि 89 नंबर पे शायद कराची अब अमन के लिहाज से पहुंचा है। अब माजी की अगर तारीख का जायजा लें तो कराची वो बदतरीन शहर था जो 80 की दहाई से बदमनी का शिकार हुआ, और यहाँ ये सूरत हाल होती थी कि सिर्फ एक ही सवाल होता था, कोई ये नहीं कहता था कि हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, कोई ये नहीं कहता था कि बिजली चाहिए, सवाल ये उठता था कि हमें अमन चाहिए, अमन तो बदतरीन अमन की सूरत हाल थी। और उसके मुकाबले अगर आज और उस आज के दौर में तफरीक की जाए तो शुक्र है काफी पुरसकून शहर है और अमन अमान जो है वो बेहतर है, मगर
स्ट्रीट क्राइम की जो हालत है वो बड़ी ही खतरनाक। सर मैं आपकी बात को थोड़ा काटती हूँ माजरा के साथ, ये सेफ सिटी जो लफ्ज यूज किया गया है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये भी बताएं कि ये सेफ सिटी है क्या चीज़, जो कराची के अंदर प्रोजेक्ट है वो जरा बताएं ये क्या चीज़ है। देखिए बेसिक नेम जो है सेफ सिटी, उसका मकसद ये है कि जदीद दुनिया जो दुनिया में ये होता है कि आप डायरेक्ट गूगल पर दुनिया आ गई है, अगर आपको सेटेलाइट से कुछ देखना है आसमान से जमीन पर आप देख सकते हैं। हम माजी में सोचते थे कि हॉक आई जहाज आ गए वो आसमान से जो है वो जासूसी करते हैं, मगर अब जो सेफ सिटी मंसूबा है वो उसी बुनियाद पर ही नुकते पर है। हर गली हर चौक हर नुक्कड़ पर कैमरा लगा होता है, अच्छे पिक्सल्स के कैमरा होते हैं, यहाँ पूरा दिन जो है वो रिकॉर्डिंग चलती है। अब तो फेंसिंग कैमरा आ गई है, वो जो बंदा एक रोड पे अगर 3 मरतबा गुजरता है और उसके अलावा वो कभी इस रस्ते से नहीं गुजरता तो कैमरा ऑटो उनको डिटेक्ट करता है, तो इस तरह की कैमराएं भी अब आ गई हैं। और उसके अलावा सर्विलियंस कैमराज जो है वो लगाने का एक प्रोग्राम है, जिसमें कराची की एंट्री पॉइंट से खुसूसन जिस तरह बलूचिस्तान की तरफ से आमद का रास्ता जो है मेन शाहरा कोयटा इस तरह पूरा बलूचिस्तान कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर हफ्ते मुकाम पर जो है फेंसिंग की कैमराएं लगाने का प्लान है, जहाँ जिसमें आपकी जो भी गाड़ी एंट्री होगी उसमें आपका ड्राइवर भी नजर आएगा, नंबर प्लेट भी नजर आएगी, जो फ्रंट में दूसरा बंदा बैठा होगा उसकी भी एक बेहतरीन पिक्सल्स के जरिए तस्वीर जो है वो आ जाएगी और कौन सी गाड़ी मूवमेंट में आ रही है, तो ये सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसा मैंने जिक्र किया फेंसिंग कैमराज, तो इसी तरह वो फिर ठट्टा का रोड है, फिर हैदराबाद कराची सुपर हाईवे M9 मोटरवे जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी तंसीब है, तो जो भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पर इस तरह के, वैसे तो बताया जाता है कि 36 से ज़्यादा कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ से लोग दाखिल हो सकते हैं, मगर मेन एंट्रेंस जहाँ से गाड़ी आ सकती है। एक तो जो सेफ सिटी मंसूबा उसमें एक प्लान ये है, दूसरा ये कि पहले उन्होंने शुरुआत करने का जो अंदिया दिया है वो है कराची का ट्रेड जोन कहलाया था, जिसमें असम्बली का एरिया है, गवर्नर हाउस है, वजीर अला हाउस है, अवान सदर रोड है, इस तरह फिर सदर के इलाके में जो कैंटोनमेंट के इलाके आते हैं, फिर जो रेड जोन का तकरीबन इलाका जो है वो पहले फेज में मुकम्मल करना है, कोई करीबन तो 7,500-8,000 के करीब कैमरा लगाने हैं, जिसमें इब्तदाई जो मैप दिया गया उसमें रेड जोन से लेके एयरपोर्ट तक जो है पहले मुकम्मल। ये जो सदारती जो ओहदा है वो रियासती ओहदा है, तो क्या आइन में ये है कि सदर ऐसे इजलास बुला सकते हैं या ये काम वजीर आजम का है? देखें एग्जीक्यूटिव इख्तियारात तो वजीर आजम और वजीर अल्लाह के पास है, और वजीर आजम और वजीर अल्लाह के पास भी नहीं बल्कि ये कहा जाए कि काबीना खुद मुख्तार होती है, वही डिसीजन करती है, जैसे जिस तरह आजकल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं पूरा जो बेंच होता है वो डिसाइड कर सकता है, जिस तरह सोमोटो का मामला आया तो अब चीफ जस्टिस अकेले नहीं कर सकते, तो इसी तरह काबीना जो है वो सूबे की हो या वफाक की वो इस तरह के इख्तियारात रखती है। मगर कुछ थोड़ा माजी में जाएं, अगर हम जायजा लें गुज़िश्ता 5 सालों की जो हुक्मरानी रही तो उसमें एक सियासी कशीदगी का माहौल रहा, अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर रहा, उसके बाद फिर वो चपकलश का जो सिलसिला रहा, खान साहब की हुक्मरानी थी, फिर उसके बाद यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी थी, फिर इस तरह दीगर सूबों में भी मिक्स जो प्लेट टाइप का सियासी निज़ाम था, तो उसमें जो खिचड़ी बन रही थी उसमें अमन एक ना पैदा होता जा रहा था, पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम होता था PTI पे कि वो दहशतगर्दों की हिमायत करती हैं, उन्होंने तालिबान और इस तरह के जो फैक्टर्स थे उनके साथ मुकाबला किया, मगर PTI उनके साथ हाथ मिला रही है। इसके बाद वाकई ये भी देखा जाए कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो दहशतगर्दी के मामला उठे, फिर इसके बाद बदमनी की जो सूरत हाल थी, उससे पीछे थोड़ा जाए तो काफ़ी मियां नवाज शरीफ के दौर में अमन अमान के हवाले से अपेक्स कमेटी का क्याम अमल में आया था, सियासी और अस्करी क्यादत ने मिल बैठ कर शहरों में खसूस जो कराची बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार था, रोजाना जो हम यहाँ 300 के करीब लोग जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनते थे, लोग अपने बच्चों के पैरों के लाश जो है वो उठाते फिरते थे, तो वो मामला खत्म हुआ और दोनों क्यादतों ने मिल के जो फैसला किया था उसका हुआ था। मगर गुज़िश्ता जो 5 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही, इसके बाद फिर माशी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल रही उसमें डेवलपमेंट का जो फैक्टर था वो भी मुतासर हुआ, जो सब्सिडी का हम जिक्र कर रहे थे इस तरह के मनसूबे थे वो भी नहीं हो पा रहे थे, फिर जो कैमरा का तयन किया गया था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का तयन किया गया था, कभी गवर्नर हाउस के पास चीज़ें होती थी, कभी पुलिस के पास चीज़ें होती थी, अब उन तमाम चीज़ों को यकजा करके एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जो हुकूमत के ताबे एक निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें पूरा एक प्लान बनाया गया है सेफ सिटी मनसूबे के हवाले से, एक सेंटर बनेगा जिसमें तमाम इदारे भी बैठेंगे और हर सड़क पर जहाँ क्राइम होगा
उसमें ऑटो डिटेक्शन कैमरा जो है वो बताएंगे कि यहाँ बदमनी हुई है या लूटमार हुई है, तो फौरी तौर पर अलार्म बजेगा, फिर वो जो इदारे हैं उनको मुतर किया जाएगा। ना ये कच्चे के डाकू आजकल इतने ताकतवर क्यों हो रहे हैं सर, उसकी क्या वजह है कि कच्चे के डाकू और असला जो उनके पास इतना रूसी सांप का वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा फयाज साहब एक और चीज भी जरा देखने की है, थोड़ा सा ये बताएं हमारे व्यूअर्स को भी देखने के लिए, कि वैसे तो हम सभी ये कहते रहते हैं कि कच्चे के डाकू खुद हुकूमत के पैदा करना है, ये ऐसे नहीं तश्कील पाए। असल में कच्चे के डाकू क्यों बने थे, लोग डाकू क्यों बनते हैं, हमें ये पता है ना, नाइंसाफी होगी, अदम इस्तेहकाम होगा तो डाकू वक्कू पसीर होंगे। लेकिन असल में कच्चे के डाकुओं के साथ क्या हुआ, वो क्यों बने, और फिर उनके जदीद शक्ल जिसे मैं डिजिटल डाकू कहती हूँ, वो कैसे जो है वो इस पूरे सीन का हिस्सा हो गई है। इस वक्त डिजिटल डाकू हैं, बाय द वे उनके अपने इंस्टाग्राम भी हैं, आप उनकी पोस्टें भी देखेंगे, आप उनकी वीडियोस भी देखेंगे, असले और दीगर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल को जी हाँ, और वो अपने आप को बड़ा जबरदस्त प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग डाकू बनने की ख्वाहिश करें, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना है भाई, पहले इंसान बन जाए। तो फयाज साहब जरा बताइएगा कि डाकू जब बने थे तो मकसद क्या था, और कौन सा कबीला था किस जगह का जो डाकू बनने में सबसे ज्यादा आगे था? तो बिना किताबी बातें तो हमने बचपन से पढ़ी, सुनते थे परू चांदी बड़ा खतरनाक दाढ़ेल होता था, फुल माची किस्म का, फिर एक वो शीदी होते थे फिर अब्दुल गफार किटली के नाम से एक नाम सुना था डाकुओं का, इस तरह के बहुत डाकुओं की दास्तान है। कुलन देवी तो इंडिया का किस्सा है, मगर हमारे पास ये लैंग्वेज टाइप के जिस तरह के, मगर इनके पीछे जो कहानी होती थी वो माशरे की नामहरूमियाँ, गुर्बत और फिर जो कबायली झगड़े, जिस तरह फिर ये होता है कि रिश्तेदारियों में झगड़े बनते हैं, जिस तरह आपने ये भी सुना होगा कि ट्राइबल एक कल्चर हमारे पास परवान चढ़ा था जिसमें कारोकारी का था, बेटियों को मार दिया जाता था पैसों के बिना पर, मिल्कियत के बिना पर, अब मेरी बेटी का अगर उसके नाम पर जमीन है, मेरा बेटा नहीं है तो मेरे भाई वो चाहेंगे कि ये अब ये लड़की बह जाएगी, हमारी मिल्कियत सारी चली जाएगी। फिर उन्होंने इस तरह के रस्ते अख्तियार किए कि उसको मार दिया, फिर कारोकारी के कत्ल के इल्जाम ये फला के साथ बनी हुई, यानी इस तरह के जो मिथ बना के ये वाकयात रोनमा होते थे। फिर नामहरूमियाँ भी होती है, नामहरूमियों में ये होता है कि भूख इंसान को सताती है तो भी बंदा मजबूरन क्राइम करने निकलता है, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम हमारे पास शहरों में होता है इसी तरह देही आबादी में भी होता है। फिर बरादरी में झगड़े होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ वो असलहा उठा के खड़े हो जाते हैं। हालिया दिनों में आपने मुख्तलिफ सिंह के वाकयात सुने होंगे जिसमें एक बच्ची जो सैयद घराने में काम करती थी, फुल फातिमा फरो का किस्सा आपने सुना होगा। फिर ये होता है कि जहाँ वो केस सामने आज मीडिया ने हाईलाइट किए तो आ जाते हैं, बाद जो अवकात इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो फिर माशरे में वो लोग अगर वो जगड़ नहीं पाते तो फिर वो रुपोश होने का रास्ता अख्तियार करते हैं, फिर रुपोश होने के लिए वो जंगलात का रुख करते हैं, फिर इस तरह वो डाकू बन जाते हैं। इस तरह फिर सुमरानी और फिर डॉक्टर अजमल सावंत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे उस्ताद थे, वो वहाँ पे 30,000 कहते हैं कि वो डॉलर कमाते थे, तो फिर इस तरह के वो अगर कैरेक्टर होते हैं तो फिर वो ये जब बरादरियों के दरमियान तसादुम होते हैं तो फिर वो हथियारबंद हो जाते हैं। फिर इस तरह ज़मीनें कीमती हैं, माल मिल्कियत का मामला होता है उसमें भी लोग डकैत कल्चर के और शिकार बन जाते हैं, तो फिर जब हथियारबंद बंदा बन जाता है तो फिर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। फिर एक फैक्टर और भी है हमारे पास इन तरह की चीज़ों के पैदा होने का, मिसाल के तौर पर सूबे के बॉर्डर्स जो हैं हमारे जो पंजाब के साथ भी मिलते हैं, बलूचिस्तान के साथ भी मिलते हैं, तो बलूचिस्तान ज़्यादातर ट्राइबल एरिया पर डिपेंड करता है, वहाँ पर शहरी आबादी कम है। आपने देखा होगा कि अगर गुज़िश्ता दिनों नूरानी के करीब बस ट्रक का हादसा होता है तो वहाँ पर अस्पताल भी नहीं है, वहाँ के लोग इतने मुश्किलात का शिकार होते हैं कि उनको इलाज की सहूलियात जो है वो भी वहाँ की हुकूमत नहीं देती, कराची की तरफ अस्पताल बनाए हुए, जाहिर है हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं इन जगहों पर आते जाते हैं, जब लोग मायूस होते हैं उनको खाने के लिए वो मराहत नहीं मिलती, वो चीजें खुशहाल नहीं होती, तो फिर वो कुछ लोग इस तरह के रुख रास्ता अख्तियार करते हैं। फिर वहाँ पर भी इस तरह के बड़े ट्राइबल टाइप के कबायली झगड़े होते हैं, वहाँ पे भी लोग असला उठाते हैं, फिर वो जंगलों में छुप जाते हैं, फिर वहाँ अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, पुलिस रेंजर फोर्स इस तरह ऑपरेशन करती है तो वो वहाँ से निकलते हैं, फिर दूसरे इलाकों में वो फिर फेर करते हैं। तो इस तरह हमारा जो कच्चा है हाफिजाबाद रहीम यार खान उसके बाद पंजाब की सरहद से इलाका आता है, तो पंजाब का जो कच्चा है जो ज़ाहिर पंजाब का लफ्जी माना पांच दरियाओं की जमीन जो हाँ पंजाब, तो उस जमीन से जब दरिया में लोग वो छुपते हैं जंगलात में पानी आते हैं तो वो डाकू जो वहाँ छुपे होते हैं क्राइम करते हैं, तो वो
वहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ पानी आ जाने की वजह से हमारी सरहदों में भी आ जाते हैं। अगर वहाँ ऑपरेशन हो जाते हैं तो वो इस तरफ आते हैं, वहाँ पे भी इस तरह वो वाकयात होते हैं अगवा करने के। फिर जब क्रिमिनल बंदा हो जाता है उसके आगे फिर वो इंसानियत नहीं होती, वो क्राइम ही करता है। अच्छा, के डाकू और पक्के के डाकू में क्या फर्क है? चलो वहाँ मेरूमिया वो थे ये है, लेकिन हमने कराची के अंदर ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग डकैतियां कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद रोडों पर चलते हैं देखते हैं। तो इनमें क्या फर्क है असल में, आपको क्या फर्क नजर आता है असल में? फर्क कुछ भी नहीं है, क्रिमिनल किसी भी शक्ल में हो, किसी भी लिबास में हो, वो क्रिमिनल होता है। अगर वो शहर में रहता है तो वो उस ढंग से रहता है, अगर वो जंगल में रहता है तो वो उस ढंग से रहता है। लिबास का फर्क नजर आ जाता है, उसके एटीट्यूड का फर्क नजर आ जाता है। जिस तरह हम कहते हैं हर 100 किलोमीटर के बाद जबान का भी फर्क होता है, इसी तरह लिबास का भी फर्क होता है, इलाकाई भी फर्क होता है। अब जाहिर है जहाँ जंगल बयाबा में इस तरह के लोग अगर वो रहते होंगे तो उस माहौल के हिसाब से पलते पड़ते होंगे। फिर आजकल जदीद दौर है, मोबाइल का इस्तेमाल है, किसी जमाने में टेलीफोन होता था लोग इस्तेमाल करते थे, अब मोबाइल है तो हर जगह एक्सेस होती है सिग्नल की, तो वो उनके पास भी ये सारी चीजें हैं। फिर जाहिर है उसी टावर की निस्बत से इंटरनेट का भी सिलसिला चलता है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जिद्दत का इस्तेमाल करना अपने मकसद के लिए होता है। अगर कोई मजहबी रहनुमा होगा तो वो अपने मजहब के हिसाब से उस चीज को इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम मिसाल देते थे कि मौलवी आजाद कहते थे कि लाउड का इस्तेमाल गुनाह है, मगर जब लाउड ने अपना पूरे माशरे पर अपना धाका जमा लिया तो उलमा भी कहते थे कि जहाँ लाउड नहीं होगा हम वहाँ तकरीर नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया भी इसी तरह ही हमारी सोसाइटी पे हावी है, वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे अच्छा आदमी हो, तो अपने मकसद के लिए हर कोई इस्तेमाल करता है। जो इस्लाम की तबलीग करेगा वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल करेगा, जो हिंदुज़म की तबलीग करेगा वो उसके लिए इस्तेमाल करेगा, जो बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहता होगा उसका इस्तेमाल इसी तरह ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अब ज़ाहिर है मोबाइल के जरिए किसी को अगवा करना है तो आजकल नई जो ट्रिप आई हुई है नी ट्रिप, खवातीन की आवाज में जो है वो लोगों को ये हमारे जो है मर्द हजरात है ना उनको सिर्फ पता चलता है कि खवातीन बोल रही हैं या खातून कोई बोल रही है तो बस वो देर हो जाते हैं, हमारी आवाज में इतनी तासीर है। नहीं वैसे मैं सवाल ही आपसे आपने अपनी आवाज का फायदा किस तरह से उठाया? मैं तो बड़ी खतरनाक किस्म की लड़की मशहूर हूँ, मेरे अपने कुली कहते हैं कि मैं तो हर एक से लड़ती हूँ झगड़ती हूँ। आज भी मुझे 2 दफा अननोन नंबर से आया लेकिन मैंने उसको लिफ्ट नहीं कराया था इसलिए वो भाग गया। असल में आपके साथ आने ट्रिप का तो वाकया नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है असल में करने की। जैसे मैंने भी आपको बताया सुबह सुबह मुझे फोन आया था कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ आपका ATM ब्लॉक हो गया। मैंने कहा यार जबरदस्त आप तो बड़े काबिल किस्म में, मैंने मुझे भी आप पटाने लग गए। बहरहाल इस तरह के वाकयात होते हैं, सोशल मीडिया का भी इसी तरह भेजा इस्तेमाल होता है। अच्छा फयाज साहब ये बताइए क्या ये सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इंटीरियर सिंध में इन डाकुओं की परवरिश की और वो कर रही है, और सुना है कि इनके पास जो है महीने के करोड़ों रुपए आते हैं, ये कोई काम ना भी करें तो भी माल आ ही जाता है, ये क्या सीन है? देखें माशरे में अच्छा तबका भी होता है बुरा तबका भी होता है, पॉलिटिशियंस अच्छे लोगों को भी आगे लेके आते हैं तो फिर सियासी मकासद के लिए बुरी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे पास करप्शन को कानूनी हैसियत अब तस्लीम किया जाने लगा है, मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट सेक्टर है, अगर 1 अरब रुपए का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो उस पर कमीशन जो कल्चर है वो कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुका है, उसे वो अखलाकी जुर्म कोई तसव्वुर नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेक्रेटरी सतह का ऑफिशियल होगा, फिर उसका स्टाफ होगा, फिर पॉलिटिशियन उनका पार्ट अब आ जाए, तो अगर उस चीज़ को अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे बुरे अंदाज से तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई 1 अरब रुपए का मंसूबा, उसमें से 50 से 60 अरब रुपए कमीशनों में जाए, फिर इसके बाद फिर वो बाकी जो मंसूबा बचता है उसमें ठेकेदार को भी पैसे चाहिए, फिर उसके बाद फिर जो है वो ज़ाहिर काम होगा तो वो 20 से 25-30% का काम होता है। तो ये माशरे में एक बीमारी कैंसर की तरह फैल गई है, लोग इसे हक समझने लग गए हैं। जो बंदा जब गवर्नमेंट जॉब में 16 ग्रेड से शुरू करता है जॉब, उसका बैकग्राउंड देखें, फिर हमारे पास अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो जो माशरे में एक पढ़ा लिखा तबका जिसे हम अपना आइडियल समझते हैं वो करप्शन के रास्ते पे चलता है। और मैं समझता हूँ हमारे माशरे को ज़्यादातर खराब अगर करने में
जो तबका अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा ज्यादा है बनिस्बत अनपढ़ जो रेडी चलाता है, उसकी करप्शन 50-100-200 रुपए की होगी, 2000-5000 रुपए की होगी, 30-50000 रुपए की लाख की होगी, मगर जो अच्छा पढ़ा लिखा ऑफिशियल जो जो अपने गजेटेड ऑफिसर होगा, फिर वो 16-17-18-19-20-21-22 ग्रेड तक जाके वो रिटायर होगा, तो फिर जब आप उसकी पूरी जो लाइफ की 25-30 बरस की जो इनकम होगी उसकी कैलकुलेशन करें तो ऐसा लगता है उसने एक रुपया भी कभी खाया नहीं होगा, वो सारे पैसे उसने जमा करके रखे, वो करोड़ों में बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कमीशन कल्चर, फिर इस तरह रिश्वत कल्चर जो होता है वो उस वजह से हमारे माशरे में फैलता जाता जा रहा है। और फिर इसी तरह फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पॉलिटिशियंस का आपने जो सवाल किया, तो पॉलिटिशियंस हमारे पास मुझे एक सियासतदान का बड़ा अच्छा जुमला याद आता है, सरबराह थे और वो दो मरतबा उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ANP की तरफ से, अवामी नेशनल पार्टी के संघ के रहनुमा थे, तो वो हार गए थे, उन्होंने शायद खट्टा का हल्का था, वहाँ से इंतखाब लड़ा था कौमी असम्बली का। फिर जब उनसे गपशप होती थी तो वो कहते थे कि यार अमेरिका का सदर जो क्लिंटन है या जॉर्ज बुश है या इस तरह के लोग हैं, क्या वो लोगों के पास तादाद करने जाते हैं, उनकी शादियों में उनके कार्ड उनको दिए जाते हैं कि हमारी शादियों में आओ तब हम उनको वोट देंगे। हमारा जो माशरा है उसको इस तरह एक वो इस चीज़ों में उलझा दिया गया है कि सियासत को जिसे जिस तरह हम कहते हैं सहाफत इबादत है, तो सियासत भी इबादत है। ये कहा गया है कि MNA MPA गलियों की नालियां बनाए, गलियों की नाली बनाना कौंसिल का काम होता है, काउंसलर का काम होता है, MNA MPA का गलियों की नाली बनाने का काम नहीं होता। वही ये बात हो गई है कि वो खुशी और गम में भी MNA MPA वजीर शिरकत करेगी, तो बाहर के मुल्कों में तो सदर थोड़ी किसी के घर में जाते हैं ताज़ुद करने के लिए। बाहर के मुल्कों में तो अंगूठे पे वोट है, आप जाए वो टेबलेट पे लगाए अंगूठा आपका वोट होगा। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, क्या इन डाकुओं की परवरिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और इसमें सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया जाता है, PP जो है वो इस सिलसिले में काम कर रही है ज्यादा, जब हल्के में इलेक्शंस होते हैं तो यही डाकू जो हैं उनको इलेक्शन जीतवाने में भी मदद फराहम करते हैं। देखिए जब कराची बदअमनी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो वो रिपोर्ट आई थी, उसमें सारे विंक हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, हर पॉलिटिकल पार्टियों में जो है क्राइम के जो क्राइम पेशा अफराद के विंग हैं, वो उन्होंने कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इनको आप खत्म करें, लेकिन मैं ये मेरा ये अंदाजा है कि वो खत्म नहीं हो सके, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी हो पार्टी हो, हम सिर्फ एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी हो उसमें वडेरा शाही या बड़े बड़े बिजनेसमैन सरमाया का लोग मौजूद हैं और वो अपने साथ ऐसे लोगों को लाजमी रखते हैं, क्योंकि डराना धमकाना होता है ना, आपको पता है, जरूरी नहीं है कि वो उस डराने धमकाने के चक्कर में कभी कोई मर भी जाता है, कभी कोई कुछ ही हो जाता है। असल में ये काम तासुर है ना, ये हम क्योंकि बात कर रहे हैं आवाम की, आप समझिए कि हम इस वक्त आवाम देखिए एक बात बता दू, देखिए आवाम ने अभी तक आपने जितने भी इलेक्शन देखे, सिर्फ 1970 का इलेक्शन जो था वो एक अवामी इलेक्शन था, क्योंकि ये सारे लोग सियासतदान और कोई भी तस्लीम करते हैं, उसके बाद कोई भी जो है वो अवामी इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अवाम तो वो दे नहीं रही ना, वो तो आपको फेवरिज्म है ना, कि यानी कि मैं अगर पीपल्स पार्टी की जियाली हूँ तो मैं उसको ही वोट दूंगी ना, मैं मुस्लिम लीग की हामी तो मैं उसको वोट दूंगी, अवाम वोट नहीं दे रही है, वो फेवरलिज्म है। अच्छा, स्वतंत्र शख्सियत है। फयाज को ऑफिस से भी कॉल आ रही है, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब मारिया क्योंकि हम डाकुओं पर बात कर रहे हैं ना, तो हम डाकुओं पर आते हैं। जी फयाज साहब। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जिस तरह आपने सवाल किया, तो अब जाहिर है पॉलिटिशियन जो जिस तरह मैंने फलीजो साहब का जिक्र किया, तो फिर वो जाहिर है जो शादियों में शिरकत करेंगे, दिन में अगर 10 शादियों में शिरकत करेंगे तो उनको चले एक MPA कम से कम किसी को 2000 रुपए तो वो लिफाफा तो देगा ना, कि भाई मैंने ये सिंधी में कहते हैं गोर वो देंगे। हाँ। अगर यानी 2000 रुपए 10 लोगों को उसने दिया तो 20,000 रुपए रोज तो खाली शादियों की दावत के देने पड़ गए, 6,00,000 रुपए से ही देने पड़ेंगे। तो उसके बाद एक MPA जो हमारे इलाके में ऑफिस खोल के बैठते हैं, जाहिर है एक जो MPA होता है उसके कम से कम एक जिले के दो तहसीलें होती है, उसका हल्का इतना बड़ा होता है,
तो फिर उसके बाद उसके वहाँ सब ऑफिस भी होंगे, फिर उनके कारकुन भी होंगे, यूसी ऑफिस भी होंगे। अच्छा, फिर लोग यहाँ ऑफिस में आते हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर अजीब है। मैं आपके पास आया, अगर आपने मुझे चाय नहीं पिलाई, आप चाय पीजिए? नहीं, होटल पे चाय पियो, कितने दूध पत्ती चाय कितने की अच्छी मिलती है और ज्यादा ज्यादा 30 रुपए की मिलेगी? नहीं नहीं, अभी तो कम से कम 70-80 रुपए मिलती है। अभी अभी की रेट तो ये हो गए। एक एमपीए का अगर हम जिक्र करें, एक एमएनए का जिक्र करें, उसके ऑफिस पे रोजाना जम में काफी लोग रहता है। ऐसा ही ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि बिस्किट भी होते हैं, केक भी होते हैं, कभी खाने का टाइम होता है तो फिर लंगर जिसको कहते हैं कि वो खाने में बैठूंगा खाना खाने, 10 मेरे सवारी बैठे खिलाना, तो 5-10 हजार रुपए का खाना हो गया रोजाना। अगर 100 आदमी कम से कम आप लगा लें तो भी 10 हजार रुपए की तो चाय हो गई। अब हमारे चाय पानी हर काम से ज्यादा अहम खाना है। और दूसरी बात ये है, ऑफिस होगा उसका एमपी का, उसका बिजली का बिल भी आएगा। फयाज साहब, दूसरी बात ये है कि हम जो है ना तवो का बहुत ज्यादा लगाते हैं। देखिए, एक होता है हक और एक होता है फर्ज। हम सिर्फ हक लेने के लिए तैयार होते, फर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। हमने किसी को मुंतखब कर दिया, पहले आप असेंबलियां तो बनने दे, पहले उनको काम तो करने दे। 5 साल को देखिए आप, उनकी एक एक चीज को नोट करें कि वो आपका काम करता है कि नहीं करता, फिर आप फैसला करें। नहीं, वहीं से वो एमएनए या एमपी वजीर बन गए थे, वहीं से हमारा वो जादू की छड़ी होती है ना, उससे वो काम हो जाए। देखें ना, जो रुबीना का सवाल था, मैं उसके वापस आता हूँ। मेरे ये हिसाब किताब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इतनी इन्वेस्ट करने वाला पॉलिटिशियन वो सारे पैसे कहाँ से ले आएगा? अब उसके लिए फिर वो जो कमीशन कल्चर चढ़ा है वो वहाँ से फरमा चढ़ा। फिर आपके टाउन के जो सफाई की बजट जाती है वो मुलाजमीन को तनख्वाह मिलने के अलावा बाकी जो झाड़ू टाली फिनाइल के जो बिल बनते हैं ना वो वहाँ जाते हैं। आपकी चाय का बिल जो देते हैं ना वो उससे बेहतर बनते हैं। अब देखिए, पॉलिटिशियन 5 साल यानी 365 दिन एक साल के हो गए, 1700 दिन जो होते हैं वो आपको अगर रोजाना अगर 10 हजार रुपये खर्चा करके वो देगा तो वो कहाँ से लाएगा? फिर जब उसकी मुखालफत में ज़्यादा अपोजिट भी पार्टियाँ होती हैं, मुखालिफ भी होते हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, उनके पास भी इस तरह की होता चीज़ें थी, वो कहाँ से लाएंगे? फिर जब आप अपना वोट लेने निकलने जाते हैं तो आपको मुखालफिन का सामना भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको खूनी हमलों का भी सामना करना पड़ता है। तो फिर इस तरह के जब फैक्टर होते हैं तो फिर ये क्रिमिनल लोग जो हैं वो इन लोगों के हाथों में होते हैं। बहुत से तबका है, खाली पॉलिटिशियन बदनाम है, ऑफिशियल फैक्टर भी जो है वो भी इस तरह के क्रिमिनल अपने हाथों में रखते हैं। अच्छा, पुलिस एक ऐसे छो जिसकी तनख्वाह 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए होगी, उसका खर्चा महीने का घर का 3 लाख रुपए, क्राइम इसी वजह से बढ़ता है। अब SSP अगर SHO को कहेगा कि मेरे घर के लिए बकरा चाहिए हफ्ते में 4 दफा 5 दफा, वो कहाँ से लाएगा 50-50 हजार रुपए का बकरा? तो फिर ये आपके हमारे फिर मंशियात का जो फैक्टर है वो भी इसी वजह से परवान चढ़ता है कि पुलिस वहां से कमाती है। फिर क्रिमिनल दर क्रिमिनल हमारी सोसाइटी खराब होती जा रही है। हमने काफी चीजों को रोकना है, मिसाल के तौर पर जिस तरह शादियों में जाना, फिर चाय का कल्चर और ताक चलने का कल्चर, ये सारी चीजें। अच्छा, आपसे एक बात बताऊं, अभी आज मैंने खबर दी थी, मुख्तियारकार ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है कि मुझे सरकारी घर दिया नहीं गया। जज ने कहा कि मुख्तियारकार तो पूरे इजला का पावरफुल बंदा होता है, वो जहाँ दिल चाहे वहाँ जाकर रह सकते है, होटल में भी रह सकते, उसको सरकारी घर की क्या जरूरत होती है? नहीं, जैसे मैं जज साहब के इस जुमले से इतफाक नहीं करता। जो कानूनी राय उसका उसको देना चाहिए। अब अगर जज उसको ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जज मुख्तियारकार को कहता है कि तू क्रिमिनल है, तू करप्ट है, तू ये सारी चीजें कर रहा है, तुझे घर की जरूरत नहीं। अगर वो ऑनेस्ट होगा, उसे क्या पता है कि वाकई वो खराब था या सही था, उसको मिलना चाहिए। हमारे जज साहबान को भी सर रिमार्क में हालिया जो काजी फायज ईसा की जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो चली थी, जो कार्रवाइयाँ चली थी, गुजरात साहब पे आए थे तो उन्होंने हुक्म दिया था कि डीजी रेंजर्स के ऑफिस के बाहर बैरियर लगे हुए हैं, वजीर हाउस के बाहर लगे हुए हैं, गवर्नर हाउस में। मैंने देखा कहाँ थे वजीर हाउस के बाहर थे डीजी रेंजर्स। मैं उसकी हिमायत नहीं करता मगर उसके ऑफिस के आगे बाहर नहीं थे। हाँ, मैं आपको अभी चले दिखाता हूँ, जहाँ हाईकोर्ट के पीछे चले, जहाँ जज साहबान गुजरते हैं अंदर जाते हैं, उनका जो चैम्बर जिस तरफ से, वहाँ तो बैरियर आज भी लगे हैं। क्या कानून सिर्फ वजीर अला के लिए है, गवर्नर के लिए है, डीजी रेंजर्स के लिए, जजेस के लिए नहीं है? उनके लिए भी होना चाहिए। अगर नस्ला टावर टूटता है। अच्छा अच्छा, हम आते हैं टॉपिक की तरफ वापस, क्योंकि हम डाकुओं पे बात कर रहे हैं आज है। तो जरा डाकुओं पे वापस आ जाते हैं। नहीं, मार्केट को सुधारना होगा। मुझे ये बताएं, माइक दे, मुझे ये बताएं कि
क्या ये डाकू सिर्फ इंटीरियर सीन में बलूचिस्तान में नहीं है, क्या पंजाब की साइड पर नहीं है, क्या वहाँ अगर डाकू है तो वहाँ इतने पुरम क्यों है और यहाँ के जो है वो डिजिटल क्यों हो गए हैं, जरा ये तो बताए ना। रुबिना मेरा आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट जब रिसर्च करता है तो उसके सामने सारी चीजें सामने आती हैं। मेरे पास रिसर्च का डेटा नहीं है, मगर मैं ये बखूबी कह सकता हूँ कि मैंने जो जो अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, मालूम किए हैं, वो अपने हिसाब से मेरे मुताबिक जो रिसर्च है उसके मुताबिक मैंने आपको पहले भी तस्करा किया कि बलूचिस्तान से भी डाकू आते हैं सिंध में, पंजाब से भी डाकू आते हैं, वो उनका क्याम कच्चे में होता है। मगर हमारी जो अब हमारी एशिया की एस्टेब्लिशमेंट की भी है कि वो एक जगह पर सब चीज़ को अच्छा दिखाना चाहती है, दूसरी जगह पर सब चीज़ को बुरा दिखाना चाहती है, ये तफरीक ख़त्म करना होगी। मिसाल के तौर पर हम मीडिया पर्सन है ना, हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है, आप देखेंगे जब भी चैनल खोलेंगे कराची में ये हो गया, कराची में ये हो गया, कराची में ये हो गया, कराची में ये हो गया। पूरा पंजाब जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है वहाँ जितना क्राइम है वहाँ उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं दिखानी। अच्छा फिर आप आ जाए डेवलपमेंट के शोबे में, मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत बहुत बुरी है, बहुत ही करप्ट है, वो कोई डेवलपमेंट नहीं करती है, एक इन भी नहीं लगाती, पूरा आप सिंध का बुरा हाल दिखा दे। मगर यहाँ से आप जाएं सुपर हाईवे से सराब बोर्ड से जाएं, आप आगे जाएं M9, यही वफाकी इदारा है जो इस्लामाबाद मोटरवे भी चला रहा है, मुल्तान का भी चला रहा है, यहाँ से क्यों नहीं बनता, तो यही वफाकी इदारे, क्या उनको तो जरदारी ने नहीं रोका, उसको मुराद अली शाह ने नहीं रोका, वो तो अपना अच्छा बना के दिखाए। आप जब सादिकाबाद की सरहद से दाखिल होंगे पंजाब में, वहाँ आपका मोटरवे अच्छा है, वहाँ आपको सड़क पर किनारे पर आपको फूल भी नजर आते हैं, पौधे भी नजर आते हैं, यहाँ क्यों, यही वफाकी इदारा है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाया जाता है, वहाँ की कंट्रोल्ड मीडिया है वो क्राइम नहीं दिखाती। माई मुख्तारा माई का केस आपने सुना होगा, वो इस तरह के वाकयात अगर सिंध में होते तो, सिंध में है तो उस तरह के वाकयात वहाँ हमसे ज्यादा है, मगर वहाँ की मीडिया में और हमारी मीडिया में एक फर्क है। मैं इल्जाम नहीं कह रहा लगा रहा उनके, मगर वहाँ पर मीडिया पैसे की ज्यादा कमाई करती है वहाँ पर, यहाँ पर मीडिया ज्यादा कुछ वाइड है, यहाँ पर रीजनल मीडिया भी बहुत ही एक्टिव है, यहाँ के इश्यूज को उठाती है, इतना हाईलाइट करती है कि वो इशू जो माई जंदू का आपने देखा, एक आर्मी पर्सन को जो है वो सिटिंग कराची का रेंजर्स का एहलकार ने सरफराज शाह को मारा, उसका भी साहेवाल का वाक्य आता है तो आरिफ अलवी साहब उनको माफ कर देते हैं, जब इंसाफ की बातें करते हैं तो वहाँ के क्यों इंसाफ नहीं होना चाहिए ना। इस तरह के वहाँ के मामला हैं वो जो दबाए जाते हैं, मैं नहीं कहता कि यहाँ असल में फयाज साहब हमारी कौम थोड़ी नेगेटिव भी है, इसकी वजह यह है कि अब देखिए हमने चांद पर भेज दिया, देखिए किस तरह से भी हम तरक्की थोड़ी बहुत कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये हो रहा है कि हमें खाना तो हमारे पास है नहीं, हम चांद पर जा रहे हैं, और नहीं एक और लतीफा चल रहा है भाई, सारी दुनिया ने तो चांद से डेटा इकट्ठा कर लिया, सारी मालूमात दे दी, हम पाकिस्तान क्या करने का, मसला ये है कि जितना वो आप वाली बात बिल्कुल सही है, हमने पाकिस्तान को सिर्फ नेगेटिव माइंड में दिखाया हुआ है कि तो और कराची कुछ ज्यादा दिखाया हुआ है। देखिए गुर्बत जरूर है पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया, उस पर मैं दो लफ्ज ये बोलना चाहूंगा कि अगर सब यहाँ खराब है, यहाँ सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, आप कराची के किसी भी इलाके में जाएंगे आपको हजारेवाल यहाँ नजर आएगा, आपको पंजाब यहाँ नजर आएगा, आपको सरायकी यहाँ नजर आएगा, आप मुझे लाहौर चल के दिखाएं या पूरा पंजाब दिखाएं, वहाँ बताएं कोई सिंध वहाँ नजर आता है, या चलो बलूचिस्तान चले वहाँ कोई सिंध नजर आता है या पंजाब नजर आता है, इसका मतलब है कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अच्छा है। अच्छा आपकी बात, इलाज के मामले पर आ जाए, NICVD पर हम तंज भी करते हैं, हमारे यहाँ हमारे साथ एक जर्नलिस्ट दुबई गए थे घूमने, वहाँ उनको अटैक पड़ा था तो वहाँ उसे फौरी तौर पर एमरजेंसी में ले गए और दिखाया, ये आज से कुछ साल 5-6 साल पहले की बात है, तो जब हॉस्पिटल में से दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई आपका फौरी ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा, और पूछा गया कि कितना खर्चा होगा, बोला पाकिस्तानी हिसाब से उनको 42 लाख का उस वक्त खर्चा, नहीं ये अब ये वो ऑपरेशन करवाते तो मेरे ख्याल में 4 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 10% प्लस कर दे। तो NICVD में जब वो वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ रब्ता किया, फिर सीटी बना के भेजी वहाँ, फिर पता चला कि यहाँ 6 लाख रुपए में आपका VIP रूम में रहने के बाद
ऑपरेशन होगा हुआ इस तरह, और वो बंदा आज भी जिंदा है, वो चल रहा है। और अगर ये इतने ही हम खराब हैं तो फिर ये पूरी पाकिस्तान की कौम यहाँ इलाज के लिए क्यों आती है भाई? सिंध का अगर बंदा अगर ये आवाज उठाता है, कोई आवाज सिंधी में कहते हाँ, वो परेशान होता है, खौफ चिल्लाता है कि भाई हमारे हक पे डाका लगता है, तो उसका मतलब ये है कि लोगों को यहाँ मिलता है ना इलाज, रोजगार मिलता है, जब भी आते हैं ना, अगर यहाँ बदम नहीं है तो फिर लोग क्यों आते हैं? असल में मसला ये है कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, मुझे मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये कहा गया कि बाहर जो मुल्क है, चाहे दुबई हो, सऊदी अरब हो, या अरब यूरोप कंट्री वगैरह हो, उनके मीडिया जो है ना वो अपनी बुराइयां नहीं दिखाते, वो चीजें दिखाते हैं जो अच्छी चीजें होती हैं। तो वहाँ तो मुबाशर चैनल चलता है, वो बगैर हुकूमत इजाजत के कुछ दिखाते हैं, हम तो बहुत ब्रिलियंट। इसकी वजह ये है कि आपका मुल्क बदनाम होता है, अगर आप ज्यादा बुराइयां दिखाते हैं या नेगेटिव चीज दिखाते हैं, आपका मुल्क बदनाम होता है। ईरान में आप देखें, दो तीन ऐसे वाकयात हुए, मैंने कल परसों एक खबर देखी थी बीबीसी पर ईरान के हवाले से, कि किस तरह से एक 16 पता नहीं 19 साल लड़की को पुलिस ने किस तरह से कत्ल कर दिया, मार कर के साथ ज्यादती करने के बाद। अगर यही चीज अगर पाकिस्तान में होती, सारी एनजीओ एक्टिव हो जाती, सारी एनजीओ, हत्या के वो ईरान में इतना भरा वाकया हुआ है, आपकी दबा दिया गया है, या फिर आपने निकाब, इस निकाब वाला जो आपने देखा होगा, हिजाब वाला देखा होगा, ईरान में जो हुआ था, या आप अमेरिका में देखते काले और ब्राउन की जो लड़ाई होती है, जिसमें एक काले को मार दिया था, वो किस तरह से वाकया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर ऐसे नेगेटिव चीजें होती हैं तो उनको कुछ ज्यादा ही जो है वो, ये असल में ये हाइड पार्क है, हाइड पार्क को इस्तेमाल कर, और हम लाइव जा रहे हैं, हम लाइव जा रहे हैं, हाँ अभी या हम लाइव शुरू हो गए, आ रहे अभी हमारे शेर साहब है, शायद मैं मैसेज आपको किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने मीडिया को भी ठीक करना होगा, हमें हमारे जहनों को ठीक करना होगा, हमारा सोशल मीडिया बहुत बकवास हो गया है, पता नहीं अब चांद पे गए, अच्छी बात है, चलो चाइना के ताबून से गए हैं, चाहे कुछ भी गए हैं, चांद पर हमारा पाकिस्तान का भी है कि जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हम तरक्की जो है वो ऐसा ऐसा करेंगे ना, हम कर तो रहे हैं ना कुछ, हमारे बच्चे जो हैं आजकल के, वो बहुत सारी ऐसी चीजें बना रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बहुत सारी ऐसी चीजें बना रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर भी मिल रही है। देखिए हम क्यों अप्रिशिएट क्यों नहीं करते उनको, वो फयाज वाली बात ये है ना कि हमारे माशरे में महरूमियाँ हैं जो गलत साइड को लेकर जाती है, हम उन महरूमियों को खत्म करने के लिए अप्रिशिएट करें बच्चों को कि जो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा हमारी अब हम समझ की तरफ जाते हैं, जब रात हो रही है वो लो लाइट हो जाएगी। फयाज साहब आप हमारे साथ आए, अभी हमने कच्चे के डाकों पर मुकम्मल गुफ्तगू नहीं की है क्योंकि फयाज साहब और मैं ट्रेवल भी कर चुके हैं शहर से बाहर, और आते जाते रहते हैं, दोनों ही फ्रिक्वेंसी यही करते हैं, और हम शहर से बाहर जब निकलते हैं ना तो हालात हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बेंगा मेल ये मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं, बेंगा फीमेल मैं मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही होती हूँ। बात सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान में कहीं भी जाएं आपको सेफ महसूस होना चाहिए, चाहे आप हमारे शहर कराची में मौजूद हों, चाहे आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में हो, चाहे आप पंजाब के किसी देही इलाके में मौजूद हो, ये मुल्क हमारा है, हम इसके यहाँ मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात कही, मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, हमें कुछ चीजें अपनानी पड़ेंगी, दो तीन अहम चीजें हैं, जिसमें एक तो ये है कि हमारे पास जो एक मुकामी सैयाह आता है, एक गैर मुल्की सैयाह आता है, उसे एक अच्छा माहौल देना है, उसे एक फ्रेंक माहौल देना है। हमारे पास कुछ दिनों पहले शहर में शहरा फैसल पे एक मैंने देखा था, रिक्शा वाला था, किसी फॉरेन में उसको अपने रिक्शा में ले गया, तो वो समझ जाते कि ये कोई बात नहीं कर पाएगा, वो शाहरुख की टाइप से उसे बात कर रहा था, मगर उसने फ्रीक्वेंटली उसके साथ इंग्लिश में बात की तो वो बड़ा खुश भी हुआ, फिर उसे लेके भी गया, अपने स्पॉट पर भी छोड़ा। मगर कुछ दिनों पहले यहाँ सदर में जीपीओ की तरफ मैंने देखा तो एक फिलिपाइनी फैमिली थी या कुछ था, उनके साथ वाकया पेश आया, मोबाइल छीन के एक लड़का 125 मोटरसाइकिल पर चला गया। तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम की भी जरूरत है, हमें अपने सयाहों को, चाहे वो मकामी हो, यहाँ का अगर बंदा ठट्टा जाता है, ठट्टा का बंदा अगर लाड़काना जाता है, लाड़काना का बंदा अगर कराची आता है,
तो हमें उनको प्यार और मोहब्बत के साथ एक अच्छा माहौल देने की जरूरत है, ताकि इससे ये होता है कि एक ट्रेवलर बंदा जो वहाँ से यहाँ अस्पताल के लिए आता हो, वहाँ से सरकारी ऑफिस के लिए सेक्रेटरी ही क्यों ना आता हो, अगर उसे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो बाहर निकलेगा, खरीदारी भी करेगा, तो शहर के लोगों का रोजगार होगा। अगर कोई ठंडा जाता है वहाँ, वो भले अपने यहाँ से कराची से पानी लेके गया हो, खाना लेके गया हो, मगर उसकी जरूरत जरूर वहाँ होगी, पेट्रोल भी भरवाएगा, वहाँ के पेट्रोल पंप के लोगों को कारोबार मिलेगा, वहाँ ठेले पर फ्रूट बेचने वाले का कारोबार भी चलेगा, इस तरह पानी की बोतल बेचने वाले का अगर पानी बिकेगा वहाँ रोजगार जाएगा, इस तरह पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान। तो इस तरह के माहौल हमें पैदा करने की एक सोशल एक आइडिया बनाने की जरूरत है हमारे लोगों को, ये मैं पैगाम देना चाहूँगा। दूसरा ये कि हमें अपने सोसाइटी को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। इब्तदा मुझे खुद से करनी है, मैं अगर घर से निकलता हूँ तो डस्टबिन पड़ी हुई है उसमें जाके कचरा फेंकना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उतरूँ, मेरे घर के बाहर पहले से कचरे की थैलियाँ रखी हो और मैं देख कर अपने नाक को बंद करता हुआ जाऊँ और बदबू को ऐसे हवा में हिलाता जाऊँ कि इस तरह का एक माहौल है। तो हमें दो अहम चीज़ें जो है, एक माहौल देना चाहिए लोगों को, सयाहों को पुरअमन माहौल देना चाहिए, पुरसकून माहौल देना चाहिए, उसके साथ फ्रीक्वेंट माहौल देना चाहिए, ताकि वो वहाँ आए और उनका भी रोजगार बने, हमारे यहाँ वो आएंगे तो इनका यहाँ वालों का भी रोजगार बनेगा और फिर सफाई सुथराई होगी। दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं है कि सुबह 8 बजे अगर स्वीपर आता है तो वो कचरा उठा के जाता है। हमारे पास स्वीपर पुल पे सफाई करके रोड पे कोने पे कचरा जमा करता है, वो वापस आता है तो फिर कचरे की ढेर फिर पुल पे गुजरते हुए मिलेंगे, बोतल पड़ी होगी, जूस पिएगा बंदा तो शीशा गाड़ी का उतार के रोड पे फेंकेगा। तो ये हमने सबको मिलके ये बनाना है, तभी हमारा कराची, हमारा सिंध, हमारा पाकिस्तान अच्छा बनेगा। बहुत शुक्रिया आपको फयाज साहब, आपको अपने मौका देंगे हम। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का जो हमने एक बैठक की है अपने अपने रिपोर्टिंग से आने के बाद, और उसमें हमने बहुत सारी और चीजें मिस कर दी सिर्फ इसलिए कि आज आपसे मुलाकात हमने प्लान कर ली थी, तो हमारे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जहाँ होते हैं ना उस जगह का ख्याल करना हमारा फर्ज है। जरदारी साहब ने जरदारी का नाम दिया तो फिर मुझे याद आएगी, आप डाकुओं से निकले थे और जरदारी साहब इजलास की बात की थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे और सियासी क़यादत, जिस तरह पहले अपेक्स का इजलास हुआ था मियां नवाज शरीफ के जमाने में, तो आपने ये सवाल किया था क्या जरदारी साहब को ये अख्तियार है, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है, मगर एक पार्टी के सरबराह थे, जाहिर है वो अहदा छोड़ भी दे तब भी रहेंगे, मुल्क के सदर भी हैं, जाहिर है वो अपने जिस सूबे में जिसने भारी अक्सरियत हासिल की है तो उसको ये वो एहसास जरूर होगा कि यहाँ का अमन खराब है। तो इसका मकसद ये है कि सदर और इदारे ये सब मिलकर चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, स्ट्रीट क्राइम भी खत्म हो, इख्तियार हो ना हो अच्छी बात है, अगर वो कोशिश करते हैं तो हमें उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह हम सोचते हैं कि आधा गिलास खाली है और उसको आधा भरा हुआ कहते हैं, इसी तरह ये कहें कि जरदारी साहब ने इजलास किया गलत है, कानून के मुताबिक नहीं है, या फिर हम ये सोचने लग जाए असल मसला ये नहीं है, वो इसलिए इजलास कर रहे थे कि उनको हथियार बेचने थे वो पुलिस को, ये सोच भी हो सकती है। तो बहुत से इश्यूज होते हैं, मगर अगर अमन के लिए कराची को बेहतर कर रहे हैं, सिंध को बेहतर कर रहे हैं, या डाकुओं का कल्चर हनी ट्रिप खत्म हो, हम पुरअमन तरीके से घूमे फिरे खाए पिए खुश हो, तो खुशहाली जरूर आए। देखिये मैं ये समझती हूँ कि इस इजलास में जो जरदारी साहब की जेर सदारत हुआ है ये एक मुश्तरका काविश है, इस मुश्तरका काविश को उस वक्त तक नेगेटिव ना लिया जाए जब तक कि इसका कोई भी इम्पैक्ट सामने नहीं आता, क्योंकि देखिए अभी एक इजलास हुआ है उसमें बता दिया गया है कि करना क्या है, अब इसके असरात आते 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 आएंगे, एकदम नहीं आएंगे, तो हमें हुकूमत की स्ट्रेटेजीज को समझते हैं उसको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तब तक हमें भी पुरसकून रहना चाहिए। कराची में पहले कचरे की सियासत बहुत हुई और बहुत शोर मचा और अब डाकुओं की सियासत हो रही है, लेकिन मसाइल मेरा ख्याल है कुछ और है, उनकी तरफ अगर हम देखें ना उसको सही करने की जरूरत है। डाकू तो अपने आप जैसे ही ये रमजान जाते हैं वो अपने अपने शहरों को वापस चले जाते हैं और वो एक प्लान तरीके से रमजानों में ही आते हैं, रमजान में शैतान बंद होता है जी, और डाकू कराची आ जाते हैं मुख्तलिफ सूरत हाल में। तो मारिया आपके लास्ट वर्ड्स, उसके बाद हम अल्लाह हाफिज कहेंगे। देखिये मसला ये है कि डाकू तो चले जाएंगे लेकिन हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अगर किसी लड़की का फोन आता है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि वो जो है वो धोखा हो, तो ये चीजों का ख्याल रखे। कहने का मतलब ये है कि आप किरदार में मजबूत रहे, आप अपने किरदार में मजबूत रहे, जरूरी नहीं आपका एटीएम ब्लॉक हो जाए, कार लेना चाहिए। देखिए आपकी जिस तरह आप अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं इस तरह से दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करें, हो सकता है कि गलती से आपके पास किसी लड़की का फोन आ गया हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उसके पीछे पड़ गए। और खास तौर पे
ये नजर रखें कि कोई भी आदमी बाहर अगर किसी बच्ची के साथ या किसी खातून के साथ बदतमीजी कर रहा है तो आपको उसको रोकना है, क्योंकि एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने माँ बहनों के अलावा दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करता हो। बस मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया RY मीडिया टॉक्स देखने के लिए। अगर आपको आज का शो हमारा पसंद आया, प्रोग्राम पसंद आया, डिस्कशन पसंद आई, तो फीडबैक में कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, ताकि हम दोबारा फयाज साहब को और फयाज साहब जैसे मजीद सीनियर जर्नलिस्ट को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। बाकी मैं और मारिया तो होते ही है, ठीक है। तो मिलकर कहेंगे हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।